हाय स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रागिनी बालन फ्रॉम भाग्यवी। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ लेसन नंबर 5, राजेंद्र बाबू। तो सबसे पहले आप सब अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो सामने रखिए और पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 34, लेसन नंबर 5, राजेंद्र बाबू। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछती हूँ, देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? हम जिस देश में रहते हैं तो सबसे पहला नागरिक जो है, नागरिकत्व किसे प्रदान होता है? तो हमारे जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सबसे पहला नागरिक। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका जवाब है, आजाद, जब हमारा भारत आजाद हो गया था उसके सबसे पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। अब आगे देखिए, सादा जीवन उच्च विचार, महापुरुषों की पहचान है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश के राष्ट्रपति होते हुए भी बहुत सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। उनके मन में छोटे बड़े का कोई विचार नहीं था। उनकी रहन सहन एकदम सादी, पर उनके विचार जो है वो बहुत ही अच्छे और बड़े विचारों के, कभी भी आगे की सोचने वाले। ऐसे हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी उनके बारे में ही आज हम देखेंगे इस लेसन में। देखो, सुबह का समय था, गज्जन जल से एक बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती, वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। तभी कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया। वो बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा ले। अभी जो गंजन नाम का एक आदमी है वो क्या करता था, जो नल जो है वो खुला रखता था, एक बाल्टी लगा लेता था, वो भर गए कि दूसरी लगा देता था, और ये जो है वो जो रूम है उनके अंदर जाके वो बाल्टी खाली करके लाता था। उस पीरियड में वो बाल्टी भर कर पानी बाहर निकल जाता था और बह जाता था। तो ऐसा ही करता रहा वो, और आगे एक जो व्यक्ति है वो उसके सामने आ गया, कंधे पे अंगोछा डाले हुए, मतलब टवाल डाले हुए आ गया वहाँ पे भाई, और वो उस आदमी से बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा ले, मुझे बाल्टी दे दो, मुझे भी नहाना है। तो वो उस आदमी से बोला, तुम्हें क्या जल्दी है, कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। गज्जन ने कहा, बस एक बाल्टी दे दो, झट से दो चार लोटे पानी डाल लेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, एक बाल्टी दे दो चार लोटे डाल लेंगे, फटाक से हो जाएंगे मेरा नहाना और मैं फ्री हो जाऊंगा। पर गंजन जो है वो बोल रहा है, अरे तुम समझते क्या हो, आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है, देर मत करवाओ। गंजन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा, अच्छा लाओ हम भी मदद कर देते हैं, वह व्यक्ति बोला। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगा। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया, गज्जन बैठ कर सुस्ताने लगा। अभी उन्होंने क्या किया कि जो गज्जन है वो एक एक बाल्टी लेके जा रहा था, तो ये क्या बोले कि चलो मैं आप तुम्हारी मदद कर देता हूँ, यहाँ से बाल्टी भरती कि वो गज्जन की तरफ लेके जाते थे, गज्जन उसे डालता था, वो खाली बाल्टी लेके भर कर देते थे, यानी काम क्या हो गया, फास्ट हो गया। उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। सब जो कमरे थे उनमें बहुत सारा पानी भर दिया था और बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। अभी ये जो बाल्टी लेके जहाँ पे जा रहा था वो क्या था, राष्ट्रपति भवन था। राष्ट्रपति भवन में ये गज्जन जो है सारे कमरे में पानी रख दे रहा था। तो उस व्यक्ति ने सारे जो कमरे है सभी जो भवन के जो कमरों में पानी भर दिया। तो उसके बाद उसने
उस आदमी को बोले कि अभी तुम नहा सकते हो, तो उन्होंने क्या किया, स्नान कर लिया और गज्जन को क्या किया, धन्यवाद किया कि थैंक यू मुझे नहाने दिया आपने। थोड़ी देर में सभा शुरू हुई। स्वयं सेवक नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ रहे थे, गज्जन भी उस उत्साह से सबको गिलास पकड़ रहा था। अभी उस भवन का ये क्या था, एक नौकर था, तो ये भी क्या कर रहा था, जो जो भी सारे मेहमान आए हुए थे उनको क्या दे रहा था, पानी दे रहा था, शरबत दे रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। अभी हक्का बक्का होना मतलब क्या कि हैरान हो जाना, हे बाप रे ये कौन है ऐसे। तो हक्का बक्का हो गया, अरे ये तो वही जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। अभी उसने पहचान लिया, उसने क्या किया, गिलास दिया और देखा और हक्का बक्का रह गया, अरे बाप रे ये तो वही है जिनको मैंने बाल्टी नहीं दी थी सुबह को, और नहाने के लिए नहीं दिया था, फिर इन्होंने मेरी मदद की, सारे के सारे जो भवन के कमरे हैं उनमें पानी पहुंचाने के लिए उसके बाद इन्होंने नहा लिया। तो गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू है। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। राजेंद्र बाबू मुस्काए और गज्जन को गले से लगा लिए। यानी देखो कितने सीधे सरल थे, नहीं तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ के सादे नेता जो है, कोई अगर नगर सेवक भी बन जाता है तो उसकी तो ऐसी शान रहती है, फोर व्हीलर रहती है, स्त्री के कपड़े रहते हैं, नहाने के लिए बाथ टब रहता है, न जाने कौन से शौक पूरे कर लेते हैं। पर ये देखो इनके रहन सहन एकदम सीधी सादी, नल पे जाके वो क्या करने लगे थे, नहाने लगे थे, और उस आदमी को बोला भी नहीं उन्होंने कि मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ। उन्होंने क्या किया, उसकी मदद कर दी। पर अगर यहाँ के नगर सेवक भी हो तो वो क्या करते हैं, रौब जमाते हैं, अरे तुम्हें काम नहीं आता क्या, ये करो वो करो ऐसे करते। पर इन्होंने ऐसा किया क्या, नहीं, उनका दिल भी क्या था, एकदम साफ दिल के थे वो। और गज्जन ने उनको क्या किया, माफ़ी मांगी कि सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सुबह आपसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, मुझे पता नहीं था। तो राजेंद्र बाबू जो थे उन्होंने उसे गले लगा दिया और क्या कहा, ठीक है भाई कुछ बात नहीं चलता है। सादगी के पुजारी ये राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहने पर अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। साधापन में ही उन्होंने अपना जीवन पूरा व्यतीत किया। और जिस तरह ये राजेंद्र बाबू थे बहुत ही बड़े नेता थे और बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति होके गए हैं हमारे पहले राष्ट्रपति, वैसे ही हमें अभी पंत प्रधान मिले हैं मोदी जी, वो भी ऐसे ही है सादे और अच्छे दिल के। ऐसे ही हम सब बच्चे भी, हमें क्या करना है, गर्व नहीं करना चाहिए। कितनी भी ऊंचाई पे हम जाए तो हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्व का घर क्या रहता है, खाली रहता है। इसीलिए गर्व करना अच्छा नहीं है, हम जैसे है वैसे रहो, सादे रहो, सीधे रहो और अच्छे रहो। स्टे से स्टे होम। ओके बच्चों, बाय।